नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड हिंदी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ सीके सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर प्रेस क्लब के पदाधिकारियों व सदस्यों ने सांसद रमेश अवस्थी का भव्य स्वागत किया। कानपुर प्रेस क्लब में सांसद रमेश अवस्थी के साथ पत्रकारों का एक संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सांसद रमेश अवस्थी के स्वागत और सम्मान के साथ हुई। कानपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष शरद वाजपेयी, महामंत्री शैलेश अवस्थी, कोषाध्यक्ष सुनील साहू की अगुवाई में पत्रकारों ने सांसद रमेश अवस्थी को फूल मालाओं से जोरदार स्वागत करने के साथ ही प्रतीक चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। अध्यक्ष शरद वाजपेयी ने लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार पत्रकार साथियों ने निष्पक्ष पत्रकारिता करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में भूमिका निभाई, उसकी चर्चा की। पूर्व महामंत्री कुशाग्र पांडे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौरव सारस्वत, वरिष्ठ मंत्री मोहित दुबे और मंत्री शिवराज साहू ने सांसद रमेश अवस्थी को पत्रकारिता में आ रही जटिलताओं को बताया। इस दौरान कानपुर प्रेस क्लब के पत्रकार सदस्यों को परिचय पत्र का वितरण सांसद रमेश अवस्थी द्वारा भी कराया गया। अपने संबोधन में सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि पत्रकार उनका परिवार है। स्वागत सम्मान के अनेकों आयोजन हुए, लेकिन पत्रकार परिवार का आयोजन एक अलग सुख प्रदान करने वाला है। उन्होंने कहा कि आपका सबका प्रेम और स्नेह और सम्मान मेरे लिए गौरव की अनुभूति करा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पत्रकारों ने चुनाव के दौरान उनका सहयोग किया है, वो कभी नहीं भूल पाएंगे और वो हमेशा अपने इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की सभी समस्याओं का समाधान होगा। इसके अलावा जब भी कोई मेरी जरूरत पड़े, मुझे बड़ा भाई और परिवार का सदस्य समझ करेगा। मैं हमेशा आप लोगों के साथ मौजूद रहूंगा। जरूरत पड़ी तो सदन में वो पत्रकारों की आवाज़ बनेंगे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार आलोक पांडे ने किया। कार्यक्रम के दौरान प्रेस क्लब के अध्यक्ष शरद वाजपेयी, महामंत्री शैलेश अवस्थी, कोषाध्यक्ष सुनील साहू, पूर्व महामंत्री कुशाग्र पांडे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौरव सारस्वत, वरिष्ठ मंत्री मोहित दुबे सहित बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद थे। पूरी तरह से मेहनत करके, दिन रात एक करके सहयोग किया। इसके लिए सभी पत्रकार साथियों उनका आभार। इनके सहयोग से मैं कानपुर के लोकसभा प्रत्याशी के रूप में मिले हुए। साथ में आज प्रेस क्लब का उनका कार्ड है, परिचय पत्र है, उसका भी वितरण किया गया। और सबसे बड़ी बात यह रही कि वह सब परिचय पत्र को अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है, ताकि इसका एक स्तर पता चले कि अच्छा कार्ड कैसा होता है। तो इसके लिए मैं अपने शरद पाठी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक उन्होंने प्रेस क्लब की जो गरिमा है उसको बढ़ाया है और निरंतर बढ़ा रहे हैं। साथ में पत्रकार साथियों की कुछ समस्याएं थी, हम उन्होंने रखी है, चाहे वह पुलिस विभाग से संबंधित है, चाहे प्रशासन की हो। मैंने पूरा आश्वासन दिया है किसी भी पत्रकार साथी को, किसी पत्रकार साथी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। अगर अन्याय होगा तो मैं अपने पत्रकार साथियों के साथ खड़ा हूँ। सभी चीजें मुझे लिख कर दे रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, उनको समाधान किया जाए। समाधान करने के लिए जो भी मैं कर सकूंगा करूंगा। और प्रेस क्लब का जो विकास वो भी निरंतर हमारे सरस पास भैया ने कराया। प्रेस क्लब में के को और कैसे विकसित किया जाए, इसके स्वरूप को और कैसे अच्छी तरीके से गौरवान वैभव इसका और कैसे बने, प्रेस क्लब का उसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, चाहे बिल्डिंग से मामले हो, चाहे और बढ़ाने की बात है। तमाम ऐसी जगहों पे आज हमने चर्चा की, तो उसपे भी हम लोग काम कर रहे हैं। साथ में पत्रकार फोरम की बातचीत हुई है, उसपे भी हम लोग शासन स्तर पे बात करेंगे। मेडिकल यहाँ हमारे पत्रकार साथियों को मेडिकल सुविधा कैसे मिल सके, इसके लिए भी एक प्रस्ताव प्रेस क्लब की तरफ से बनाया जा रहा है। उसको मैं अपनी तरफ से संपूर्ण के साथ शासन को लेकर, क्योंकि ये सब चीजें स्थानीय स्तर पर हो सकती है, उसको स्थानीय स्तर पर हल किया जाएगा, इसको शासन स्तर पे हलो, इसको शासन स्तर किया जाए। और जिसको लगता है कि प्रदेश नहीं उसकी जरूरत है, राष्ट्रीय स्तर वहां पे भी जरूरत पड़े तो मैं सभी पत्रकार साथियों की समस्याओं को लोकसभा में भी और मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ जो भी समस्या है पत्रकार साथी को उसको मैं हल कराऊंगा। ये मेरा संदेश है। दिल्ली में तो दिल्ली से रहकर पत्रकारों के हित में काम किया। उन पत्रकार भाई को कानपुर से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया, तभी हम लोग और टिकट मिलने के बाद भी हम लोग एक साथ
जुटे वहां से अलग अलग अपने बट के दौनीत बना के किसी तरह काम किया गया और आज मजबूत है। तो हम लोगों का धर्म था कि जो पत्रकार साथी सब लोग रहे हैं उनको धन्यवाद भी प्रेस क्लब की तरफ से दिया जाए, क्योंकि तो जब शुरुआत हुई है तब एकजुट रहने का संकल्प भी एक मंच से ही दिया गया था। आज रमेश जी को इसलिए बुलाया गया था वहाँ के पत्रकारों का और प्रेस क्लब ने जो बच्चे पत्ते हमारे पत्रकार साथियों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनको अपने संस्थानों से पंचे पत्र नहीं मिलते हैं। तो प्रेस क्लब का एक पंचे पत्र जिसमें बाल कोड भी है कि अगर वो कहीं दिखाया जाएगा तो बाल कोड से वो निकाल सकता है उसको कि पत्रकार कहाँ का है या नहीं है। वो संकेतात्मक रूप में कुछ पत्रकारियों कुछ पत्रकार साथियों को कार्ड दिए गए हैं, अब वो विकसित होते रहेंगे। बड़े भाई रमेश जी ने बहुत आश्वासन दिया है कि जल्द ही पत्रकारों की समस्याएं जो हैं उसके लिए कानपुर पुस्तक उनको प्रस्ताव बना कर देगा। और चूंकि ये सरकार जो केंद्र की है या प्रदेश की है इस समय वो आप सकारात्मक रूप से कोई भी बात करें तो उसको सुनती है, ये नहीं है कि अवधारणा बना ली जाए कि हमें ये काम नहीं करना है। हल वल का काम होगा तो हम लोग ये चाहेंगे कि जब रमेश जी के साथ आगे मुख्यमंत्री से या जिससे भी केंद्र में मंत्रियों से मुलाकात हो उनसे बात करके कुछ पत्रकारों के लिए बेहतर काम कराया जा सकता है।